आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा टूल जिसकी मदद से आप एक क्लिक में आर्टिकल लिख सकते हो और जो आर्टिकल लिखा जाएगा वो बिल्कुल ह्यूमन रिटन कंटेंट होगा। आपके कंटेंट में एफएक्यू होगा, आपके कंटेंट में यहाँ पे जो भी टेबल्स वगैरह बनते हैं वो टेबल्स होंगे, साथ ही साथ इमेजेस उसके अंदर होंगे, यूट्यूब वीडियोज भी एम्बेड होगा और साथ ही साथ उसके अंदर बहुत सारे कोट्स भी होंगे। यानी कि आप एक वेल ह्यूमन रिटन कंटेंट एक सिंगल क्लिक में बना सकते हो। उसके लिए बेसिकली आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद यहाँ पे देखोगे कि जो कंटेंट यहाँ पे एक क्लिक में जनरेट होगा वो बिल्कुल ह्यूमन रिटन होगा और साथ ही साथ आपका जो कंटेंट होगा ना वो गूगल में रैंक भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो बिल्कुल ह्यूमन रिटन की तरह लगेगा और एआई वगैरह कुछ भी इसमें डिटेक्ट नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप एक अच्छा कंटेंट बना सकते हो एक सिंगल क्लिक में। सब लोग चाहते हैं कि हमें आसानी से आर्टिकल लिखने में हेल्प मिले, हमारा आर्टिकल बहुत आसानी से बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी वेबसाइट पे जो पोस्ट हैं वो पब्लिश कर पाएँ। और आपको भी पता है जितना जल्दी जल्दी अगर आप पोस्ट डालते हो अपनी वेबसाइट पे तो उस पोस्ट के डिस्कवर में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज़ वाई हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोस्ट लिखना पड़ता है और यहाँ पे हमें एक क्लिक में यहाँ पे आर्टिकल जनरेट करना चाहिए और इसीलिए आपको ये टूल भी इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना है, कैसे यहाँ पे एक सिंगल क्लिक में आप वेल रिटन कंटेंट पब्लिश कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले तो देखो, आपको एक कीवर्ड निकाल लेना है, एक ऐसा कीवर्ड जो रैंक करने लायक हो वो कीवर्ड निकाल लेना है और मैंने आपको समझाने के लिए एक कीवर्ड निकाल लिया है। तो मेरा कीवर्ड है हाउ टू इंक्रीज डोमेन अथॉरिटी फास्ट, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड होने वाला है और उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड और भी मैंने यहाँ पे नोटपैड में नोट डाउन कर लिए हैं। आपको मैं बताऊँगा कैसे आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है seowriting.ai पर और seowriting.ai एक ऐसा टूल है जहाँ पे बेसिकली आप 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट लिख सकते हो। अभी मैं बताऊँगा कि कैसे आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो ये रहा seowriting.ai, इस वेबसाइट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या करना है, गेट स्टार्टेड इट्स फ्री पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना नाम देना है, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड बना लेना है और साइनअप कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे लॉगिन विद गूगल भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे देखो, आप यहाँ से इजीली अपना अकाउंट जो है बना भी सकते हो। तो मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बनाया है। जब आप यहाँ पे अकाउंट बनाते हो ना तो आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन के लिए लिंक आता है आपके ईमेल पे, तो वो वेरीफाई कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बनाया है तो मैं यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन विद गूगल का ऑप्शन है, मैं गूगल से यहाँ पे हमने अपना अकाउंट बनाया है तो चलिए लॉगिन फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे दे रहा है यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन। तो यहाँ पे अकाउंट जब लॉगिन हो जाता है तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट है, बल्क आर्टिकल जनरेशन है, ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट राउंड अप, प्रोडक्ट रिव्यू, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, हाउ टू गाइड, ठीक है, सिंपल एडिटर भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना तो यहाँ पे देखिए वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए मेन कीवर्ड आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे ले रखा है तो मैं यहाँ पे मेन कीवर्ड अपना यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मेन कीवर्ड यहाँ पे क्या करना है, आना है आपको यहाँ पे ये जो कीवर्ड है इसको पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पे कीवर्ड को पेस्ट कर दे रहा हूँ। देन यहाँ पे जनरेट और टाइटल पे क्लिक करना है तो ये आपके लिए एक टाइटल भी जनरेट कर देगा। देखो यहाँ पे हाउ टू इंक्रीज डोमेन अथॉरिटी फास्ट प्रूवन मेथड्स, तो ये एक अच्छा टाइटल माना जा सकता है एंड आप इस टाइटल को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यही यहाँ पे जो टाइटल है यही यूज करने वाला हूँ, ये ठीक लग रहा है मुझे। देन यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश यूएस है तो मैं यही लैंग्वेज यूज करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल का साइज क्या रखना है, तो देखो स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये आपके ऊपर है आप कैसा रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे स्मॉल आर्टिकल एक बार सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ये 1200-2400 वर्ड के बीच में हमें आर्टिकल बना के देगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा
लेंथ माना जाता है आर्टिकल का, ठीक है। और टोन ऑफ वॉइस कैसा होना चाहिए ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, फ्रेंडली, प्रोफेशनल, इन्फॉर्मेशनल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टोन जो रखना चाहता हूँ ना वो फ्रेंडली रखना चाहता हूँ ताकि यहाँ पे यूजर को पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। देन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे AI मॉडल है, यहाँ पे इसको आपको क्लिक करना है एंड इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो मतलब ये जितना मतलब आप ग्रीन की तरफ जाओगे ये उतना अच्छा यहाँ पे आर्टिकल आपको जनरेट करके देगा। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, देखो ये GPT-4 128 के टर्बो यूज कर सकते हो या एंथ्रोपेकिक क्लाउड 3 ओपस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसी को यूज करने वाला हूँ, इस वाले को काफ़ी अच्छा माना जाता है। देन यहाँ पे आप देखोगे ना ह्यूमनाइज टेक्स्ट, जी हाँ, आप अपने आर्टिकल को ह्यूमनाइज कर सकते हो यानी ह्यूमन रिटेन कंटेंट बना सकते हो इस टूल की मदद से। यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 8th-9th grade इजीली रिकमेंडेड है, ये आप यूज कर सकते हो। अगर आपका कंटेंट यहाँ पे कुछ हाई लेवल के यूजर के लिए है जैसे 10th-12th कॉलेज गोइंग के लिए है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हो। तो बट यहाँ पे ये रिकमेंडेड है 8th-9th grade, ये इजीली ये लैंग्वेज जो है अंडरस्टूड होता है, तो यही यहाँ पे रिकमेंडेशन वाला हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू का ऑप्शन मिलता है, तो इसके अंदर भी आप यहाँ पे किसको आप पॉइंट करना चाहते हो किस हिसाब से तो वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट अभी केस में हम नन रखेंगे। टारगेट कंट्री कौन सी आपकी होने वाली है, तो मैं यहाँ पे इंडिया के लिए टारगेट करूँगा, तो यहाँ पे हम इंडिया यहाँ पे सर्च कर लेंगे, देखिए ये इंडिया आ गया, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, अब यहाँ पे देखिए इंटेंस मोड, यहाँ पे आप इंटेंस मोड में बेसिकली क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे आपको डाल देना है, तो इस पर चेकमार्क लगाइए। देन यहाँ पे कुछ कीवर्ड डाल दीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कीवर्ड हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ रखा है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये और भी अंडरस्टूड हो जाएगा इसके लिए, और भी अच्छा ये आर्टिकल जनरेट कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो मीडिया हब आ जाता है, तो यहाँ पे AI इमेजेस को हम यस करेंगे और इसके अंदर हम चाहते हैं कि दो इमेजेस हमारे इस पोस्ट में आ जाए, तो दो इमेजेस आप अपने अकॉर्डिंग 2-3 जो रखना चाहते हो कर लेना, ठीक है, हम दो इमेजेस रखेंगे। देन यहाँ पे आप यहाँ पे देखो इमेज की साइज 16:9 यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि मीडिया भी यहाँ पे हमारा आ जाए, एक यूट्यूब वीडियोज हमारा इससे रिलेटेड एम्बेड हो जाए। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो SEO के हिसाब से यहाँ पे कुछ NLP कीवर्ड्स भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम NLP कीवर्ड जनरेशन पे क्लिक करेंगे और उससे रिलेटेड जो हमारा मेन कीवर्ड है उससे रिलेटेड यहाँ पे देखिए बहुत सारे NLP और भी उससे रिलेटेड कीवर्ड जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, स्ट्रक्चर कैसा हो जब आप स्टार्ट कर रहे हो आपका आर्टिकल ये लिखना स्टार्ट करें तो कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बेसिकली बोलूँगा कि यहाँ पे पर्सनल या इमोशनल भी कर सकते हो या क्वेश्चन वाला कर सकते हो, तो क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, हम चाहते हैं हमारी आर्टिकल में कंक्लूजन भी हो तो इसे यस कर देना है, टेबल्स भी हो तो यस कर दीजिए, H3 हेडिंग भी होना चाहिए, लिस्ट भी होनी चाहिए, इटैलिक्स भी होनी चाहिए, कोट्स होने चाहिए, की टेकवेज भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद FAQ होना चाहिए और बोल्ड भी हमारे कुछ रिलेटेड कीवर्ड होने चाहिए, तो ये आपको यस कर देना है। एंड इसके अंदर एक्सटर्नल लिंकिंग का ऑप्शन आता है, तो इसे आप एक्सटर्नल लिंकिंग कस्टम भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। बट मैं क्या है यहाँ पे अभी नन रखूँगा, ये आपके ऊपर है, आप एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हो। एक्सटर्नल लिंकिंग देखो आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा होता है, ठीक है, तो एक्सटर्नल लिंकिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, कस्टम भी कर सकते हो, तो बेसिकली हम यहाँ पे अपने पोस्ट के अंदर जाके भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल लिंकिंग, तो मैं अपने पोस्ट के अंदर से करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट टू वेब, देखो यहाँ पे डीप वेब प्लस साइटेशन का ऑप्शन है, तो ये डीप वेब मतलब जहाँ जहाँ से ये चीज़ें हैं जैसे जो कंटेंट है कहाँ से मतलब ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है तो उसे ये साइटेशन भी देगा, ठीक है, जिससे यूजर समझ पाए कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो इसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो देखो यहाँ पे ना पब्लिकेशन है, पब्लिश टू वर्डप्रेस, आप यहाँ से यस करोगे ना तो ये आर्टिकल डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे पब्लिश होगा, ठीक है। कैसे यस करेंगे, यस करने के बाद ये देखिए आप अपनी वेबसाइट को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ से कनेक्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ से डायरेक्टली आर्टिकल जनरेट करूँगा और कॉपी पेस्ट कर लूँगा अपने वर्डप्रेस पोस्ट में, ठीक है। अभी से मैं कैंसिल करता हूँ,
और नीचे की तरफ यहाँ पे और आएंगे तो कुछ अभी रहने गया है, बाकी सारी चीज़ें हमने सेटअप कर ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है ना, यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ जाना है और सिंपली यहाँ पे रन बटन देख रहे हैं, ये रन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रन बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे स्टेटस 0% दिखा रहा है और देखिए 5%। अब यहाँ पे ये 100% हो जाएगा जनरेट, तो फिर हम इस आर्टिकल को ओपन करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये आर्टिकल स्टेटस देख सकते हो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करके आप व्यू कर सकते हो, डाउनलोड HTML में कर सकते हो, इसे एडिट भी कर सकते हो। तो चलिए हम व्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारा आर्टिकल कैसा जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये 1675 वर्ड का हमारा आर्टिकल बन चुका है। एंड यहाँ पे आप नीचे की तरफ आओगे तो ये हमारा टाइटल हो गया। उसके बाद आप देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसने आर्टिकल को स्टार्ट किया और ये यहाँ पे देखो डोमेन अथॉरिटी के लिए एक इमेज भी यहाँ पे जनरेट कर दिया है और यहाँ पे की टेकवेज है। उसके बाद यहाँ पे एक वीडियो भी है इंक्रीज डोमेन रेटिंग से रिलेटेड एंड अंडरस्टैंडिंग डोमेन अथॉरिटी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हैं, व्हाट इज़ डोमेन अथॉरिटी, हाउ डोमेन अथॉरिटी इम्पैक्ट SEO एंड रैंकिंग। एंड यहाँ पे नीचे देखो तो ये कुछ लिस्ट भी दिया है, उसके बाद कोट्स भी दिया गया है यहाँ पे। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखो एक टेबल भी बना के इसने यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा दिया है। तो इससे एक ह्यूमन रिटन कंटेंट होने का यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पे ये आर्टिकल लगता है कि ये ह्यूमन द्वारा ही लिखा गया है। की फैक्टर्स, उसके बाद देखो ये H2 हेडिंग है, उसके अंदर H3 भी दिया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक्स, वेबसाइट एज एंड हिस्ट्री, कंटेंट क्वालिटी एंड रिलेवेंस। ये बिल्कुल सही लिखा है भाई, जो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं एकदम वही इसने लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट स्ट्रक्चर एंड नेविगेशन, और यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन डोमेन अथॉरिटी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी भी इसने टेबल में बता दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल है। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे प्रूवन स्ट्रेटजी टू इंक्रीज डोमेन अथॉरिटी फास्ट, तो यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी है, कैसे हम बढ़ा सकते हैं, वो भी इसने लिख दिया है यहाँ पे। और नीचे की तरफ आएंगे तो देखो ये एक इमेज है, AI इमेज को बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दे रखा है इसने। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ और आते हैं तो देखिए यहाँ पे FAQ भी यहाँ पे दिया गया है और जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट है तो वहाँ पे बोल्ड भी इसने कर रखा है। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल यहाँ पे 1600 वर्ड का हमारा जनरेट हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त है भाई ये, बिल्कुल आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हो। एंड कैसे पब्लिश करना है, आपको कॉपी बटन पे क्लिक कर देना है, ये कॉपी हो जाएगा। एंड कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने वर्डप्रेस में लेके जाइए, राइट क्लिक करिए, पेस्ट पे क्लिक करिए, आपका पूरा आर्टिकल आप देख सकते हो यहाँ पे, ये डिट्टो यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखो पूरी आर्टिकल हमारा वर्डप्रेस के अंदर आ चुका है। अब इसे आपको थोड़ा बहुत बोल्ड, इटैलिक वगैरह ऑप्टिमाइजेशन कर देना है और पब्लिश कर सकते हो आप। तो इस तरह से आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे आर्टिकल जनरेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके कुछ प्राइसिंग की। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बिलिंग में आपको जाना है, प्रोफाइल के बाद बिलिंग में जाइए। एंड यहाँ पे देखिए योर प्लान फ्री, तो यहाँ पे कुछ प्लान फ्री भी मिल जाते हैं और यहाँ से अगर आप अपग्रेड करते हो ना तो अपग्रेड नाउ बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इसमें आप देखो यहाँ पे क्या है कि इसमें 3 प्लान है, फ्री वाला, स्टार्टअप, प्रोफेशनल। और फ्री वाले में आप देखो तो 5 जनरेट कर सकते हो आर्टिकल, 5000 वर्ड के जनरेट कर सकते हो, 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट इसके अंदर मिलेगा, AI पावर्ड SEO मोड मिलेगा, वर्डप्रेस ऑटो पोस्टिंग मिलेगा और GPT 3.5 एंड Cloud 3 यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका बजट और भी ज़्यादा है, आप और चाहते हो आर्टिकल लिखो, तो आप यहाँ पे स्टार्टर वाला या प्रोफेशनल वाला ले सकते हो। एंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। ये $19 पर मंथ है एंड ये $79 पर मंथ है। इसमें अप टू 50 आर्टिकल आप पब्लिश कर सकते हो, अनलिमिटेड वर्ड, ह्यूमनाइज टेक्स्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है अगर ये प्लान लेते हो स्टार्टर वाला, ठीक है। और ह्यूमनाइज टेक्स्ट वाला ही काफ़ी अच्छा है क्योंकि ह्यूमनाइज टेक्स्ट के अंदर ही आप वेल ह्यूमन रिटन कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। बल्क जनरेशन मिल जाता है, टॉप क्वालिटी के AI इमेजेस भी मिल जाते हैं और ख़ास बात है इसके अंदर GPT-4 एंड Cloud 3 ऑपस मिल जाता है, ठीक है। YouTube एम्बेडिंग मिल जाता है और बेसिक वेब आउटलाइन एडिटर वगैरह मिल जाता है। और उसी तरह से अगर आप 250 ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हो, अप टू 250 आर्टिकल, तो ये 79 वाला प्रोफेशनल प्लान आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसका लिंक जो है SEO राइटिंग AI का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप ईयरली बिल्ड लेते हो तो 25% इसके अंदर ऑफ मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको ब्लॉगिंग, SEO, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।